पंच बोलते ना जो डिक्स बाहर है, किसी वजह से पता नहीं अपने कुछ वेट उठा ले आएगा शायद, या तो कुछ गड़बड़ी वन साइड से कोई ज्यादा से उठते नहीं डायरेक्टली उठते, ये तो कोई कारण हो सकता है। लेकिन ये आपको तकलीफ कब से होने लगे, मतलब ये शुरुआत कैसे हुई, शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत तो पहले नंबर से नंबर से मुझे चक्कर आने लगे, चक्कर आने लगे तो फिर एक बार MRI करा लिया, डॉक्टर ने बताया कि आप एक्सरे कराओ, तो एक्सरे में आया था तो फिर MRI कराया तो ये चक्कर कब से आने लगे, अभी कितना टाइम हो गया चक्कर आने के लिए? 8-10 महीने तो हो ही गए। स्टार्टिंग में माइल्ड आते थे, एकदम माइल्ड आते थे, फिर धीरे धीरे एकदम बढ़ने लगे। अच्छा, तो ट्रीटमेंट तो कुछ करा ही नहीं मैंने, स्क्रीनिंग तो मेरे बारे में आपको कहा यूट्यूब पे देखा आपने? यूट्यूब में देखा, यूट्यूब पे। बाकी आपको बाकी कोई डायबिटीज वगैरह ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, किडनी स्टोन है 3 mm का, उसका आपको रिपोर्ट बताओ तो। कोई अदरवाइज मेडिसिन वगैरह कुछ ले रहे हैं? कोई रेगुलर मेडिसिन कोई नहीं, अभी वर्टिन ले रहे अभी अभी ले रही वर्टिन वर्टिन लेती देखो मैंने मुझे लेटेस्ट है ना होम्योपैथी के डॉक्टर ने उन्होंने मुझे इसके लिए कुछ बताया था एक दवा चक्कर के लिए, तो कभी कभी वो ले लेती हूँ, फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वर्टिन से कम हो जाता है। अभी अच्छे कल से वर्टिन आपको नहीं खा रही, मैं पहले आपको जो ना वर्टिगो का भी ट्रीटमेंट दे देता हूँ चेक करके, ठीक है? पीलू वगैरह बड़ा नहीं लेते ना? पीलू अभी बंद कर दिया मैंने। एक्चुअली ना मेरे को मतलब ऐसा लगता है मेरे को वॉमिटिंग बहुत होती थी, उसकी वजह से भी होता ही है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा मेरे को 4 mm/s गाड़ी पे जमता ही नहीं। ये आपको वर्टिगो के लिए ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, चक्कर आ रहे हैं ठीक है बिल्कुल, अब फिर अभी नहीं सेम पोजीशन, ये रिलैक्स, अब मूवमेंट करके देखिए दोनों तरफ, नीचे भी देखना है ऊपर देखिए कैसा लग रहा है, बेटर लग रहा है? यस आ जाए अभी लंबर में भी तकलीफ है? बस वही पॉइंट है। यस, यहाँ तो पकड़े ना? हाँ बस वही। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, अब सीधे थोड़ा नीचे से, बस
नम होते हैं। यस, उसी की वजह से, सर्वाइकल की वजह से। आप थोड़ा करो लेने मेरी तरफ लंबा सांस लीजिए, छोड़ो, बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है? यस। लंबा सांस लीजिए, छोड़ो। अभी वन साइड चेक करो, लेकिन उठ के बैठना है। अब थोड़ा खड़ा हो रहा है यहाँ पे, फेस उस तरफ रहेगा, दोनों ऐसे लंबा कर रहे हैं, ऐसे फिंगर लॉक करके मेरे फिंगर पे याद करना है। यस, अभी याद है। और एल्बो क्लोज कीजिए थोड़ा, और सामने देखिए, और चलना नहीं पीछे, लंबा सांस छोड़िए, बिल्कुल फ्री। आप बुक करके देखिए कैसा लग रहा है। काफी बेटर लग रहा है, बहुत बेटर लग रहा है, काफी रिलीफ और रिलैक्स लग रहा है। आज तो फर्स्ट सेशन है, आपको कम से कम चार या पांच सेशन और ले बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी देखिए अगर मूवमेंट कर भी वर्टिगो जैसा लग रहा है क्या, चक्कर से? नहीं नहीं, चक्कर अभी नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, काफी बेटर लग रहा है। बैठे बैठे, क्या प्रॉब्लम थी समझ में नहीं आया। अभी कोई मेडिसिन आपको नहीं खाना है, ठीक है? अभी जो वर्टिगो आप खा रहे हैं उसको खाना नहीं है, ठीक है? कल भी मेरे पास विजिट के लिए आना है आपको यहाँ पे। ओके सर। पीटल वगैरह चेक किया आपने? अभी रेडियोलॉजी नहीं किया है सर। कभी किया था? अभी मुझे हो गया 7-8 महीने। 7-8 महीने, एक बार लेटेस्ट कर लीजिए। लेटेस्ट कर लेती हूँ। विटामिन D3, B12 एंड कैल्शियम, ये तीन चीजों को करना है। करना है, हाँ हाँ। आप कहाँ से है? दही से। दही से। आपका नाम क्या है मैम? कीनन। कीनन, आप क्या करते हैं घर पे?
हाउसवाइफ ही ठीक है। ठीक है आप मेरे ट्रीटमेंट से सेटिस्फाइड है? यस यस मतलब फर्स्ट सेशन में ही काफी रिलीफ लग रहा है ना सर, अभी तो घर पे जाके फील होगा कैसा है, बेटर लग रहा है पूरा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या तकलीफ है कि नहीं, ठीक है नहीं ऐसा नंबर में आपको जो L4 L5 का वो बल्टिक्स बल्ज है वो देखा मैंने, वो तो उसके पहले से है, पहले से ही है सर। हाँ आपको खाने की जरूरत नहीं, इसके लिए मैंने आपको सेशन के बाद मैंने आपको पूछा, पूरा मूवमेंट करके देखने बिल्कुल पूरा मैंने बैठ के आपका चेक कर दिया। मैं जब बाहर बैठी थी तो मुझे वर्टिगो आ ही रहा था। हाँ। इतना वर्टिगो है मुझे पर एकदम बेटर लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है यस यस थैंक यू सर, वेलकम।